नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री के आश्वासन के बाद काम पर लौटे पंचायत कर्मचारी। 22 जुलाई से अनशनरत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने दी रामनगर जनपद कार्यालय में अपनी उपस्थिति। आज से सुचारू रूप से पंचायतों का काम होगा सम्पन्न। माननीय, आपकी क्या चर्चा हुई आज यहाँ पर? देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त मोर्चे का हमला लगातार 22 दिन से आंदोलन पर था। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा माननीय पंचायत मंत्री जी को निर्देशित किया गया था कि आप इनसे बैठकर चर्चा करें, समस्या का हल निकालें। आज माननीय पंचायत मंत्री जी के निवास पर हमारे मोर्चे के जो आंदोलन में वर्तमान में सम्मिलित थे, उन सब घटक संगठन के अध्यक्षों द्वारा हमारी मांगों पर विस्तार चर्चा की गई एवं जिस प्रकार जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ FIR निलंबन बर्खास्त की आदि किए गए, इन सब कार्रवाइयों को तत्काल वापस करने के लिए हमने अनुरोध भी किया। मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं 20 अगस्त को आपकी मांगों के निराकरण के लिए मीटिंग बुला रहा हूं। आप सब मोर्चे के सभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सभी सम्मिलित रहेंगे। इस मोर्चे ने आपकी लड़ाई पूरी ताकत के पूरी शिद्दत से लड़ी है और आपने शिद्दत से सहयोग दिया है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कोई भी निराशावादी विचारधारा न चलाए, कोई भी व्हाट्सएप पर नेगेटिव कमेंट्स न करें। अंत नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है। हम 20 अगस्त को सवेरे माननीय मंत्री जी के दरवाजे पर फिर बैठ जाएंगे और 21 अगस्त और 20 अगस्त में कोई लंबा फासला नहीं है। आपकी आवाज़ को बुलंद किया है और ये बात और ये आवाज़ आगे भी जारी रहेगी, आपको परिणाम तक पहुंचाएगा यह मोर्चा। आप अपने मोर्चे में विश्वास रखें। जय संयुक्त मोर्चा, जय कर्मचारी एकता, हम सब एक हैं। सतना से रामकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।